हाय, दिस इज़ पारुल एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल द किचन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सभी के साथ मसाला लच्छा पराठा यानी लच्छेदार पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ किया है, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा लेयर्स वाला पराठा बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम डो रेडी करेंगे। हम एक बड़े बर्तन में 2 कप आटा लेंगे। यहाँ मैंने व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक लगभग 1 छोटी चम्मच। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने लगभग 2 बड़ी चम्मच तेल यूज़ किया है। सभी को अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और हल्का सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। जैसे हम पराठे का डो रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसका डो रेडी करना है। जब ये एक बार अच्छी तरह से नीड हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। लगभग 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और एक बार फिर से इसे नीट करेंगे। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके लगभग 10 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। अब हम लच्छा पराठा के लिए मसाला रेडी करेंगे। मसाले के लिए हम एक छोटे बर्तन में सबसे पहले डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धना पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक लगभग 1/4 छोटा चम्मच। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक साइड रखते हैं और अपने डो की तरफ चलते हैं। हम एक रोलिंग बोर्ड ले लेंगे और एक बड़े बॉल के साइज़ के बराबर हम डो ले लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से रोल करेंगे और रोलिंग बोर्ड पर रख देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और एक बड़ी चपाती की तरह बेल लेंगे। हमारी चपाती ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ घी या बटर। इसे हम लगभग 1 छोटी चम्मच लगाएंगे और पूरे में अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके लिए हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। बटर या घी हम पूरी चपाती पर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। यहाँ लगभग मैंने 1/2 छोटी चम्मच मसाला एक पराठे पर लगाया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। फिर हम एक पिज़्ज़ा कटर या एक चाकू की हेल्प से इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। सभी स्ट्रिप्स को एक साथ करेंगे। और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए लंबा कर लेंगे। इसे हम गोल घुमाते हुए एक पिनव्हील बना लेंगे और एंड को बीच में टक करेंगे।
इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। इसे हम बहुत पतला नहीं करेंगे, अदरवाइज लेयर्स नहीं बनेंगी। अब हम अपने पराठे को गर्म तवे पर डाल देंगे। कुछ ही देर के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा करके तेल या घी डालेंगे। मैंने लगभग 2 छोटी चम्मच घी यूज़ किया है। जब इसमें हल्के ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगे तब तक हम पराठे को सेकेंगे। पराठे को हम हल्के हाथों से दबाते हुए सेक लेंगे। पराठा एक साइड से सिक गया है, अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी थोड़ा तेल या घी डालेंगे और इसे दूसरी साइड से सेक लेंगे। इसी तरह हम पराठे को पलट पलट कर सेकेंगे। पराठे में लेयर्स दिखने लगी हैं, ये देखिए कितनी अच्छे से लेयर्स बनी हुई हैं। पराठा अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पराठे को हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और हल्के हाथों से इसे क्रश करेंगे। इससे पराठे की लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी और इसी तरह से सभी पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। फाइनली हमारा लच्छेदार पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। इसे हम गर्मा गर्म अपनी फेवरेट सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बहुत ही आसानी से अपना लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपने कमेंट्स और फीडबैक नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।